आज होने वाली है अनबॉक्सिंग यहाँ पे लैपटॉप Asus Vivo 15 2021 की। रुको जरा, सबर करो, जो है हमारे सामने। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। और बहुत ही खास अनबॉक्सिंग होने वाला है। और फिलहाल ये भी मैं शूट कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रूम है जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ। ये स्टडी रूम पीजी का रूम है, तो यहाँ पे वीडियो आपको दिखाऊंगा, बैकग्राउंड भी यहाँ का। लेकिन पहले तो दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे अरेंज करके मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। और तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो जिसके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा है। तो ये जो मॉडल है हमारे पास Asus का Vivo 15 2021, 8 GB और 512 GB SSD के साथ, और इसके साथ फिंगरप्रिंट इनबिल्ट है कीबोर्ड में। तो आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात कही है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है वाली। तो ये आपके सामने ओपन करते हैं। और ये कार्टून है हमारे पास, और यहाँ पे साइड में आके पहले देखते हैं। तो हमें एक मिलता है चार्जर का जो है मेन प्लग पॉइंट, और दूसरा है हमारे पास ये अडेप्टर, जो काफ़ी इसको चेंजेस किए गए हैं। जो काफ़ी पहले मोटा आता था और काफ़ी ज़्यादा हेवी वायर वाला आता था, बट ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। और दूसरा हमारे पास आता है डायरेक्ट हमारे लैपटॉप की तरफ, जो है फिटनेस मोड तो भारी लग रहा है। हम देखने वाले थे, हम करते हैं साइड। और यहाँ पे है हमारे पास लैपटॉप जो ओपन करने वाले हैं। गाइस, तो इसकी साइनिंग आप देखो, Asus Vivo 15 यहाँ पे आप मस्त साइन कर रहे हैं। और जो लुक आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में जो स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पे एक हीटिंग फैन दिया गया है, और राइट साइड में स्पीकर दिया गया है। और यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं हो, रखने के लिए आपको ये स्टैंड दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे जो स्टैंड दिए गए हैं। और फिर हम करते हैं इसको वन फाइनली। और राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको दो USB मिल जाता है, या आपको एयरफोन 3.5 mm का जैक मिल जाता है। और यहाँ पे जो है चार्जिंग का इंडिकेटर लाइट है, वो इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ पे दिखने वाला है। और फिर जो लाइट होगी वो लाइट भी आपको दिखने वाला है। USB केबल है आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी जो है आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी एक USB टाइप दिया गया है, और एक और USB टाइप हमें टाइप लेफ्ट साइड को मिल जाता है। और यहाँ पे एक टाइप सी आप बोल सकते हो, टाइप सी जो है हमें यहाँ पे एक केबल मिल जाता है चार्जर कनेक्ट करने के लिए जो। और यहाँ पे एक चार्जर जो है हमारा ये यहाँ पे, तो भाई लेफ्ट साइड में भी चार्जर देखने को मिल जाता है। और फाइनली आगे की बात करें तो काफ़ी स्लिम लैपटॉप जो आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादा वेटेज तो नहीं लग रहा, बट 1.786 हम इसको करते हैं। और आप ये है गाइस, क्वालिटी के साथ जो हमें एक पेपर मिल जाता है, जस्ट फॉर कीबोर्ड सेफ्टी और डर्टी नहीं, गंदा नहीं होने के लिए यहाँ पे हमें एक मिल जाता है। और आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे MI तो यहाँ पे हमें एक कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे एक लोगो Asus का मिल जाता है। तो बात करते हैं आगे हम कीबोर्ड्स की, तो आपको जो ओपनिंग के साथ में मैं आपको बता दूँ, जो आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट इनबिल्ट कीबोर्ड के साथ जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है यहाँ पे आपको, तो ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी हो जाती है कि फिंगरप्रिंट इनबिल्ट लैपटॉप है। दूसरा आपको गाइस यहाँ पे दिख जाता है इंटेल को i5 का लोगो, और यहाँ पे और आपको मिल जाता है सोनी मास्टर्स का एक लोगो देखने को मिलता है गाइस। तो गाइस फाइनली ये थी हमारी अनबॉक्सिंग आज की, और काफ़ी आपको मैं आगे की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ कि इसको ऑन कैसे करना है, क्लिक करने के बाद फोन सेटअप कैसे करना है। तो फिलहाल मैं अभी उसको चार्ज लगा के फिर ऑन करने वाला हूँ। बाद जो सेटअप होंगे, जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, फर्स्ट सेटिंग्स कैसे करना है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। तो प्रोसेस के साथ मैंने इसको चार्ज में लगा दिया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो होता है इसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया है गाइस। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको, पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे आपको चार्जिंग का पॉइंट दिखता है, ये देखो आपको चार्जिंग का इंडिकेटर आपको दिखने वाला है, ओके गाइस। और जो लाइट है, और यहाँ पे फाइनली ऑन कर दिया फर्स्ट इंप्रेशन के साथ, हमारा Asus Vivo Book 15 ऑन होने वाला है।
करो। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना, इंडोनेशिया जो है हमारे पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो हम करने वाले हैं यहाँ पे यस कंटिन्यू। और आपको दिखाते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है जस्ट अ मोमेंट का ऑप्शन, और जस्ट अ मोमेंट के बाद हम करने वाले हैं इसको फुल टू सेटअप। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम का ऑप्शन हमें दिख रहा है, और वेलकम के बाद ये जस्ट स्क्रीन होगा ऑन, और काफ़ी मज़ा आने वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम के इम्प्रेशन के साथ का आप पूछ नहीं सकते जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे। और तो गाइस यहाँ पे ना पासवर्ड के बाद आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आप डाल सकते हो इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो यहाँ पे ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो हमने कर दिया है ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो वांट टू यूज़ योर फिंगरप्रिंट टू साइन इन फास्टर एंड मोर सिक्योरली, तो इसकी फॉर नाउ ऑप्शन करेंगे हम फिंगरप्रिंट जो है उसको बाद में। उसके बाद हमें सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिटेल्स डालना होता है। तो गाइस यहाँ पे हमें सेकेंड जो ऑप्शन मिल जाता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप ऑप्शन जो दो ऑप्शन आ रहे हैं कन्फ्यूजन के लिए, गाइस मैं आपको बता दूँ ये दोनों ऑप्शन ना जो फर्स्ट वाला है वो आसूस आपको ईमेल प्रमोशंस के लिए जो भी अपडेट आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको ईमेल सेंड करेंगे जो आपने ईमेल इससे पहले डाला है उसके लिए गाइस। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो, वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी ईमेल अपडेट की, तो मैं बोलूँगा कि आप इस पर टिक ना करो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पे हमें आता है दिस माई टेक ऑफ ए मिनट का ऑप्शन उसके बाद हाई करने के बाद, तो और हम वेट करेंगे डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी का एक जो आप बोल सकते हो नोटिफिकेशन स्टेटस भी हमें अपडेट किया जाता है कि आप उसको ऑफ नहीं करो बेटर होगा, तो क्योंकि ये अभी सेटअप हो रहा है तो सेटअप के टाइम पे आपको तो ऑफ नहीं ही करना चाहिए, इतना बोलना पड़ता। और फाइनली गाइस हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है और आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑल ऐप्स का जो पिंड यहाँ पे दिखा रहा है, और तो इसका क्या मतलब होता है आपको पता है, आपको जो ऐप यूज़ करना है बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे उसको पिन कर सकते हो, तो ये हमें बता रहा है, तो हम अभी इसको करेंगे क्रॉस। और फाइनली आपके सामने आपका जो विंडो है ASUS Vivo Book 15 का जो है विंडो आपको फर्स्ट लुक के साथ देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे दूसरा हमें नीचे नेट कनेक्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो हम करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले नेट को कनेक्ट है ना। तो गाइस हम आएंगे यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट की सेटिंग्स में, और अकाउंट की सेटिंग्स में आकर के हम कुछ सिक्योरिटी टिप्स को करने वाले हैं चेक और करने वाले हैं, फिर इनेबल चेक करेंगे सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम करने वाले हैं अपने सिक्योरिटी के अकाउंट्स के लिए, जो सिक्योरिटी के लिए हम करने वाले हैं यहाँ अपना गूगल अकाउंट ऐड, और ऐड अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट, और वाईफाई कनेक्ट होने के बाद हम करने वाले हैं यहाँ पे गूगल अकाउंट पे लॉग। तो गाइस फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा अनबॉक्सिंग का और सेटअप का, ये मुझे ज़रूर बताना गाइस। और बाकी एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है लैपटॉप अनबॉक्सिंग की, तो कंटिन्यू वो दूसरा मॉडल होने वाला है।